नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो घंटी का बेल आइकन है उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी तरह के हमारे YouTube चैनल से संबंधित कोई अपडेट्स हो, वीडियो हो किसी तरह के, तो वो आपसे कभी मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी किए हुए राज्य मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद के संवैधानिक प्रावधान और आर्टिकल 163 और 164 के बारे में कल चर्चा कर चुके थे। तो दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद से जो छूटा हुआ भाग था उसके बारे में हम आज आगे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आगे अध्ययन करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंध, साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के साथ राज्यपाल के पारस्परिक संबंध किस तरह के होते हैं, और इसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद की जो सूची है अर्थात कौन कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन राज्य मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है और उनके पास किस किस तरह के विभाग हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2019 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंधों के साथ। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्माता एक विनाशक होता है, अर्थात मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता और एवं विनाशक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रियों का नियुक्त करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों का विनाश करता है या उन्हें पदच्युत करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में इसका नेतृत्व, संचालन और नियंत्रण करता है। तो दोस्तों, आप भली भांति समझते हैं कि मंत्रिपरिषद की जो धुरी होती है वो मुख्यमंत्री होती है। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार या मुख्यमंत्री के अनुसार ही मंत्रिपरिषद का संचालन और नेतृत्व होता है। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा ही इनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है या उन पर नियंत्रण किया जाता है। मंत्रिपरिषद एक टीम है, मंत्रिपरिषद एक टीम है, तो मुख्यमंत्री उसका कप्तान होता है, अर्थात मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के कैप्टन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में एकजुटता का परिचय देते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, अर्थात कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उस समय कैबिनेट और मुख्यमंत्री और आवश्यकता पड़ने पर राज्य मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो सभी एक मत होकर किसी भी नीति का निर्माण करते हैं और उसे लागू करते हैं। तो इन सब में एकजुटता या एक राय का भाव होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस तरह के जो तथ्य हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर कूट के रूप में पूछे जा सकते हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, इस तरह से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला है मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का विधानसभा या बाहर उसकी सुरक्षा कर उसके मनोबल में वृद्धि करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद की सुरक्षा की जिम्मेदारी और मंत्रिपरिषद के प्रत्येक बात का जवाब देना मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। तो इनका जो नेतृत्व करता है वो मुख्यमंत्री करता है, अर्थात इनकी सुरक्षा की और सभी तरह की जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री की ही होती है, अर्थात मुख्यमंत्री ही प्रत्येक मंत्री के कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता के विश्वास को बरकरार रखना तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को साकार करना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों का सर्वोच्च लक्ष्य होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं और इनके घनिष्ठ संबंधों के कारण ही जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को साकार किया जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप जनता में विश्वास प्राप्त किया जाता है।
दोनों सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री भी विधानसभा की बहुमत के कारण ही पद पे बना रहता है और मंत्रिपरिषद भी विधानसभा में अपने दल के बहुमत के कारण बना रहता है, अर्थात दोनों सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम आर्टिकल्स में कल जिक्र व्याख्या कर चुके थे कि कौन से आर्टिकल में कौन सा तथ्य आता है। तो दोस्तों, अगला है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंध, अर्थात राज्यपाल के प्रति मंत्रिपरिषद के क्या उत्तरदायित्व है, किस तरह से इनके बीच संबंध होते हैं। तो देखिए, राज्यपाल अपनी संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जन निर्वाचित विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अर्थात राज्यपाल अपनी जो संविधान द्वारा जो शक्तियां उसको जो प्रदान की गई है, या संविधान जो राज्यपाल को शक्तियां प्रदान करता है, उन सब का प्रयोग जो जन निर्वाचन यानी लोगों के द्वारा जो निर्वाचित विधानसभा है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो मंत्रिपरिषद होती है, अर्थात विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायी मंत्रिपरिषद होती है, उसकी सलाह से राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों, इस तरह से दोनों के बीच अच्छे कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता है, दोनों में समन्वय भाव की होना अत्यंत आवश्यक है, तभी राज्य में सुचारू रूप से विकास होना संभव हो पाएगा। दोस्तों, अगला है मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के रूप में शासन प्रशासन का संचालन करती है। राज्यपाल ब्रिटिश काल के अनुरूप मंत्रियों को सलाह, प्रोत्साहन एवं चेतावनी देने मात्र का कार्य करता है। अर्थात मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का स्वरूप है, वास्तविक कार्यपालिका का स्वरूप या मंत्रिपरिषद के अनुसार ही शासन का संचालन होता है, या शासन प्रशासन का संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा ही होता है। लेकिन राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सलाह दे सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है और समय समय पर उन्हें चेतावनी मात्र दे सकता है, लेकिन किसी भी कार्य से उन्हें रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, शासन संचालन यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। संविधान में राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से संविधान में 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 74(1) में राष्ट्रपति के लिए सलाह को मानना बाध्यकारी बना दिया गया है, किंतु ऐसी कोई बाध्यकारी राज्यपाल के लिए इन संशोधनों द्वारा अनुच्छेद 163 में स्थापित नहीं किया गया है। अर्थात दोस्तों, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह माने ये आवश्यक नहीं है, ऐसा राज्यों में कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई संविधान संशोधन या संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच अच्छे पारस्परिक संबंध होने चाहिए, ताकि किसी तरह के कोई शासन व्यवस्था में रुकावटें उत्पन्न ना हो। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को असीम स्वविवेकीय शक्ति प्रदान करता है, तथा इस संबंध में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात मंत्रिपरिषद किसी तरह की जो राज्यपाल जो स्वविवेकीय शक्तियाँ देते राज्यपाल को जो स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है उनके प्रयोग करने में किसी तरह से यदि कोई मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है तो वो उसे मानने के लिए कतई बाध्य नहीं है। तो दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 164(1) का हवाला देकर, कभी कभार ऐसा देखा गया है यदि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद यानी कि गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच किसी तरह के तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो देखा गया है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे केंद्र में सरकार किसी दूसरे पार्टी की है और राज्य में अलग पार्टी की है, तो ऐसी स्थिति अक्सर देखी जाती है। तो आर्टिकल 164(1) का हवाला देकर राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को बिना विधानसभा के परीक्षण का मौका दिए, अर्थात विधानसभा में किसी तरह से उनके जो विश्वास प्रस्ताव को साबित करने का मौका दिए बिना ही राज्यपाल की राय में विधानसभा में मंत्रिपरिषद ने विश्वास मत खो दिया है, ऐसा मान लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, इस आधार पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।
ऐसे पावर्स राज्यपाल के पास होते हैं। तो दोस्तों टोटली ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा शासन संचालन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे राजस्थान मंत्रिपरिषद के गठन की। तो राजस्थान मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ है उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले 25वें मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 25वें मुख्यमंत्री है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं, तो ये कौन से हैं, 25वें नंबर के मुख्यमंत्री। दूसरा फैक्ट ये है कि व्यक्ति के रूप में 13वें मुख्यमंत्री है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यक्ति के रूप में 13वें मुख्यमंत्री है। हालांकि वसुंधरा राजे भी 13वें मुख्यमंत्री थी, लेकिन अशोक गहलोत पुनर्निर्वाचित हो गया है, पहले भी ये बन चुके थे, इस वजह से अभी भी 13वें ही मुख्यमंत्री है व्यक्ति के रूप में, यानी कि 13 व्यक्ति अब तक सीएम बन चुके हैं। राजस्थान सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में, मंत्रिपरिषद का गठन किन किन विधानसभा सदस्यों से मिलकर हुआ है, किन किन को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, तो दोस्तों हम उनके विभागों सहित हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री जो है उसमें देखिए, कैबिनेट से या हम पहले इससे संबंधित मंत्रिपरिषद से संबंधित बात कर लेते हैं। 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 200 है, इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, किसी भी राज्य में ये संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं दिल्ली के बारे में और पुंडुचेरी के बारे में बता देता हूँ, पुंडुचेरी में भी यही 15% का प्रावधान है, लेकिन दिल्ली में जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन सिर्फ 10% सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन राजस्थान में वही 15% है। राज्य मंत्रिपरिषद को राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत अनुसूची 3 के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पहली बार 17 दिसंबर 2018 को गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल पे हुआ था। 2008 में राजभवन में हुआ था। पहली बार कांग्रेस के लीडर अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री की गोपनीयता की शपथ राज्यपाल कल्याण सिंह द्वारा दिलवाई गई थी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की, जिसका गठन दिसंबर 2018 में किया गया था। तो सबसे पहले जो आते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, जिनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, बड़ी हैंडसम और बड़े ही जुझारू और पारदर्शी मुख्यमंत्री है। ये कांग्रेस से संबंध रखते हैं, हाल ही में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी विजय होकर आई है। तो दोस्तों इनके पास जो विभाग है वो है वित्त विभाग, आबकारी विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो जिसको राजस्थान SBI बोल सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, गृह मामलात और न्याय विभाग यानी कि गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। दोस्तों उप मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है और राजस्थान के अब तक जो उप मुख्यमंत्री निर्वाचित मतलब बने हैं मनोनीत सॉरी अपॉइंट हुए हैं वे पांच हुए हैं। उनमें पांचवे नंबर के कौन है, श्री सचिन पायलट, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनके पास जो विभाग है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनसे सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि पिछली बार अभी प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि सचिन पायलट जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास विभाग नहीं है। तो दोस्तों कोई भी इनमें से 3 दे देते हैं और एक कोई दूसरा दे देते हैं,
तो आपको अच्छे से इनको एक बार लर्न करना, अच्छे से देखना है। तो आपको अगर याद नहीं होता है तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो। दोस्तों देखिए, मैं हर तरह का मेटर उपलब्ध करवा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे मैं सिर्फ इतनी सी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स कीजिए, यदि पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए ताकि मुझे पता तो चले दोस्तों। तो सचिन पायलट के पास जो इस समय विभाग है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सांख्यिकी विभाग, तो दोस्तों पंचायत राज विभाग किसके पास है? सचिन पायलट के पास है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सांख्यिकी विभाग भी इनके पास है। अगले हैं तीसरे नंबर के, ये हैं श्री बुलाकी दास कल्ला। इनके पास जो मंत्रालय हैं वो है ऊर्जा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग। इसके बाद चौथे नंबर पे हैं श्री शांति कुमार धारीवाल। इन सब की तस्वीरें आपके सामने हैं, ताकि तस्वीरें मैंने इसलिए जोड़ी है ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत न हो। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, आवासन विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय, संसदीय मामला विभाग। दोस्तों पांचवें नंबर पर है उद्योग विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग, ये विभाग है श्री प्रसादी लाल के पास। और इसके बाद है श्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इनके पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंध और सहायता विभाग। इसके बाद सातवें नंबर पे हैं श्री लालचंद कटारिया, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग इनके पास है। श्री रघु शर्मा, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ईएसआई, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। नवे नंबर पे खान विभाग, गोपालन विभाग, ये श्री प्रमोद भाया के पास हैं। इसके बाद विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग इनके पास है। 11वें नंबर पे है हरीश चौधरी, राजस्व विभाग, उपनिवेश विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास और जल उपयोगिता विभाग। 12वें नंबर पर श्री रमेश चंद्र मीणा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनके पास है, उपभोक्ता मामले विभाग इनके पास है। यदि दोस्तों किसी तरह की बोलने में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप देख लीजिएगा, हालांकि मैं पूरा पूरा ध्यान रख रहा हूँ, फिर भी हो सकता है। 13वें नंबर पे है सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग और इसके जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स उदय लाल अंजना। इसके बाद 14वें नंबर पर श्री प्रताप सिंह खाचरी आवास, इनके पास जो विभाग है परिवहन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग। इसके बाद 15वें नंबर पर श्री साले मोहम्मद, अल्पसंख्यक मामला विभाग, वक्फ विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग इत्यादि विभाग। तो दोस्तों कैबिनेट में 15 मिनिस्टर्स है, यानी कि एक मुख्यमंत्री है और उसके अलावा 14 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उसमें उप मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। दोस्तों इसके बाद राज्य मंत्री, राज्य मंत्रियों में कौन कौन है? 10 राज्य मंत्री हैं। पहले नंबर पे हैं श्री गोविंद सिंह डोटासर, शिक्षा विभाग, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग इनके पास है और इनको शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार, शिक्षा विभाग और जो इसके पास इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है वो शिक्षा विभाग का, और पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग। श्रीमती ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास विभाग। दोस्तों मंत्रिमंडल में जो मंत्री परिषद है उसमें कितनी महिलाएं हैं ये आप देख लीजिएगा। श्रीमती ममता भूपेश, ये महिला एवं बाल विकास विभाग स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, जन अभियोग निराकरण विभाग, अल्पसंख्यक मामला विभाग और वक्फ विभाग। दोस्तों इसके बाद में तीसरे नंबर पे हैं श्री अर्जुन सिंह बामनिया, और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, और उद्योग विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग। इसके बाद है श्री भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, उपनिवेश विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास और जल उपयोगिता विभाग। इसके बाद है पांचवें नंबर पर श्री सुखराम बिश्नोई, इनके पास वन विभाग है स्वतंत्र प्रभार है, पर्यावरण विभाग का भी स्वतंत्र प्रभार है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग। इसके बाद श्री अशोक, युवा मामले एवं खेल विभाग स्वतंत्र विभाग,
कौशल एवं नियोजन एवं उद्यमिता विभाग स्वतंत्र प्रभार है इसके पास, और परिवहन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग भी इनके पास है। सातवें नंबर पे हैं हम राज्य मंत्री पढ़ रहे हैं, सातवें नंबर पे जो राज्य मंत्री है श्री टीकाराम जूली। श्रम विभाग स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, कारखाना और बायलर्स निरीक्षण विभाग स्वतंत्र प्रभार है, सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग। आठवें नंबर पे हैं श्री भजनलाल जाटव, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार, मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग स्वतंत्र प्रभार है, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग इनके पास है। इसके बाद में नौवें नंबर पे श्री राजेंद्र सिंह यादव, आयोजना जनशक्ति विभाग स्वतंत्र प्रभार है, स्टेट मोटर गैराज विभाग स्वतंत्र प्रभार है, भाषा विभाग स्वतंत्र प्रभार है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग है इनके पास। दसवें नंबर पर डॉक्टर सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार है, संस्कृत शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ESI विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। दोस्तों वर्तमान में जो विभाग हैं वो है वर्तमान में जो मंत्री परिषद का जो विस्तार है वो 25 मंत्रिपरिषद है, 25 सदस्य हैं वर्तमान में मंत्रिपरिषद के। हालांकि राजस्थान में इसका विस्तार 30 तक किया जा सकता है। दोस्तों साथ ही हम माननीय मुख्य सचिव जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है उनका पूरा नाम है श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता, जिसको हम डीबी गुप्ता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इनका पूरा नाम याद रखिएगा, ये मुख्य सचिव है। इनका प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये राजस्थान भर्ती के स्रोत RR है। जन्म जो दिनांक है वो 1960 में इनका जन्म हुआ था। मूल निवास ये जयपुर के हैं, मूल निवासी, भाषा हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं। शैक्षणिक योग्यता MA इकोनॉमिक्स से है, MBA BA और इकोनॉमिक्स से है। दोस्तों ये IAS 1983 कैडर के सेवक है, IAS अधिकारी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के संशोधित वेतन एवं भत्ते, द्वितीय संशोधन 2019 द्वारा वेतन वृद्धि। देखिए दोस्तों ये जो क्या है, इसमें राज्य सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, उपमंत्री, उप मुख्यमंत्री व मंत्रियों सहित विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक के वेतन भत्तों एवं पूर्व विधायकों की पेंशन व अन्य देय भत्तों में वृद्धि की है। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल द्वारा प्रस्तुत इस उद्देश्य से संबंधित दो विधेयक है, राजस्थान मंत्री वेतन द्वितीय संशोधन विधेयक 2019, जिसका पूरा नाम है द राजस्थान मिनिस्टर्स सैलरीज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019, तथा राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2019, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशंस अमेंडमेंट बिल 2019, राज्य विधानसभा में 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इन विधेयकों को पारित कर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष तथा मुख्य सचेतक के वेतन में 20,000 तथा इसके सत्कार भत्ते में 30,000 तक की वृद्धि की है। इसके द्वारा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के वेतन तथा भत्तों में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। उप मुख्यमंत्री का वेतन 10,500 से बढ़ाकर 65,000 प्रतिमाह किया गया है तथा उसका सत्कार भत्ता 6,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान मंत्री वेतन द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 द्वारा वेतन वृद्धि कितनी की गई है। तो दोस्तों हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं, मुख्यमंत्री का जो पहले वेतन था वो 55,000 था, वर्तमान में 75,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इनके वेतन भत्ते 55 से बढ़ाकर 85,000 कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री को पहले 10,500 मिलते थे, अब 65,000 रुपये मिलेंगे, अर्थात सबसे ज़्यादा जो वेतन वृद्धि हुई है वो उप मुख्यमंत्री की हुई है। इनके सत्कार पहले 6,000 मिलता था सत्कार भत्ता, अब 80,000 मिलेंगे। मंत्री को 45,000 मिलते थे, अब 65,000, सत्कार भत्ते में 50 से 80 किया गया है। राज्य मंत्री का 42 से 62 किया गया है,
और सत्कार भत्ता 50 से 80 किया गया है। उपमंत्री का जो वेतन था वो पहले 40,000 था, अब 60,000 कर दिया गया है। सत्कार भत्ते में 40,000 से बढ़ाकर इसको 60,000 कर दिया गया है। इसके बाद में राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2019 द्वारा की गई वेतन व सत्कार भत्ता वृद्धि, ये हम टेबल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अध्यक्ष की जो पहले सैलरी थी वो 50,000 थी, वर्तमान में 70,000 हो गई, और इनके जो सत्कार भत्ता है 50 से 80 कर दिए गए हैं। उपाध्यक्ष 45 से 65 और सत्कार भत्ता 50 से 80 कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जो अपोजिशन लीडर होता है उसको 45 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है, और वर्तमान में सत्कार भत्ता 50 से बढ़ाकर 80। मुख्य सचेतक का जो वेतन पहले था 45 था, वर्तमान में 65 है। इसके बाद सत्कार भत्ता 50 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। उप मुख्य सचेतक की पहले सैलरी 42,000 थी, अब 62,000 हो गई है, और सत्कार जो भत्ता है वो 50,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया गया है। विधायक की सैलरी पहले 25,000 हुआ करती थी, अब 40,000 रुपये हो गई है, और सत्कार जो भत्ता है वो 50,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया है। 70,000 रुपये ये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है। तो दोस्तों ये सभी डाटा रुपये में है, इनका जो वेतन है वो रुपयों में दिया जाएगा। तो दोस्तों विधायकों को अपने कार्यों के लिए राज्य के भीतर 1500 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये तथा राज्य के बाहर 1700 के स्थान पर 2000 रुपये दैनिक भत्ता तथा वार्षिक यात्रा भत्ते के रूप में 2,00,000 के स्थान पर अब 3,00,000 रुपये दिए जाएंगे। ये विधायक के बारे में है। मूल विधायकों को अब 25,000 के स्थान पर 35,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी, अर्थात ये पूर्व विधायकों की बात है दोस्तों। पूर्व जो विधायक रह चुके हैं उनको 25,000 पेंशन मिलती थी, अब उनको 35,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वार्षिक यात्रा भत्ते के रूप में 50,000 के स्थान पर 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। विधेयक में 2 नई उपधारा भी जोड़ी गई है, जिसके तहत पूर्व विधायकों की पत्नी अथवा पति को वार्षिक सौ यात्रा पास दिए जाएंगे, यानी कि एक वर्ष में वे 100 बार यात्रा कर सकते हैं। विधायकों को प्रतिमाह 2,500 टेलीफोन भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि 2,500 रुपये टेलीफोन के लिए भत्ता दिया जाएगा। देखिए दोस्तों वेतन तथा सत्कार भत्तों में की गई उक्त वृद्धि, ये जो टेबल में जो बता रहा हूँ मैं, ये उक्त वृद्धि 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। इससे पूर्व ये वृद्धि 1 अप्रैल 2017 को की गई थी। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर, ध्यान रखिए दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, सरकारी खजाने पर इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर 31.46 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा दोस्तों। 31.46 करोड़ रुपए का इस वेतन वृद्धि से अतिरिक्त भार आएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आ रहा है आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। दोस्तों किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह से आप मुझसे निराश हैं, तो दोस्तों कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं अपने शिक्षण शैली में किसी तरह का परिवर्तन कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।